हेलो हाय नमस्कार, तो मैं आपका भाई रतन। दोस्तों आज ट्यूबलाइट का चौक को देख सकते हैं आप लोग, इसका रिपेयर करेंगे हम लोग। इसमें दोस्तों रिपेयर करने में मैं सही बताता हूँ 5 से 10 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होता है, होता है तो या ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये ले लीजिए। तो आज इसी को रिपेयरिंग करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल में नए हो तो आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिपेयर करना। चलिए दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, मैं चौक का सीट सर्किट भी निकाल के रखा था, इसको आके मैं खोल लेता हूँ। आप लोग ज्यादातर कोई ओरिजिनल करता है तो ओरिजिनल वाला भी रखा हूँ मैं, और मीडियम भी रखा हूँ, और जो लास्ट में आता है उसको भी रखा हूँ मैं। मतलब सब अपने हिसाब से देख लीजिए। देखिए दोस्तों इतना तार ज्यादा खराब हो गया है, तो इतना ज्यादा फट जाए तो आप इसको रिपेयर ना करें, क्योंकि ये देख सकते हैं इतना ज्यादा फट जाए तो रिपेयर उतना मत करना। आप लोग देख सकते हैं इतने बहुत ज्यादा फट गया, तो आप पास है रेजिस्टेंस, आपको इसका वॉल्यूम पता है तो लगा लीजिए। और मेरे को कुछ कुछ का पता है, उतना सबका पता नहीं है, तो आप लोगों को पता होगा इसका ये खराब नहीं हुआ है, लेकिन जल जरूर गया है, लेकिन खराब नहीं हुआ है मत सोचना, क्योंकि रेजिस्टेंस पूरा जल जाता है, तब कटता है तभी खराब होता है, ऐसे में खराब नहीं होता जलने बाद भी। ये खराब क्यों हुआ है, आपका जो ट्रांजिस्टर है इसके वजह से खराब हुआ है, ये हो गया। और ये खराब क्यों है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग इसका कैपेसिटर फटा हुआ है, ये कैपेसिटर फटा है। कैपेसिटर 5 रुपये 10 रुपये का आता है। मेन जड़ ये नहीं है दोस्तों, मेन जड़ क्या है मैं वो जरूर बताऊंगा आप लोगों को। ज्यादा से ज्यादा 70% क्या खराब होता है, 50% मतलब 50-50 समझिए, 50% आपका जो कैपेसिटर है वो फटता है, और आपका NTC है, और ये आपका ट्रांजिस्टर है। ये तीन ही चीज खराब होता है इसमें, और कुछ भी खराब नहीं होता है। कभी ये ट्रांजिस्टर खराब रहेगा तो कभी कैपेसिटर NTC खराब होगा, मतलब देखने चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा इसमें क्या खराब है। तो मैं भी क्या खराब है तो मैं पूरा फंडा बता दूंगा आप लोगों को क्या क्या खराब होता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज बता दिया, क्या क्या इसमें रिपेयर होता है, कितना रिपेयर होता है पूरा बता दूंगा मैं आप लोग। इसको भी खोल लेता हूं मैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी फटा उटा नहीं है, तो अब क्या समझेंगे इसमें, इतना थोड़ा बात समझ लें मेरा। PF दिख रहा है, एक कॉइल, और जितने PF है और जितने रेजिस्टेंस है, ये कभी भी खराब नहीं होते हैं दोस्तों। मैं जितना चीज बोला आप लोग थोड़ा सुन लेते हैं। PF कॉइल और जितने रेजिस्टेंस है, ये कभी भी खराब नहीं होता, होता है तो बस जो आपका ट्रांजिस्टर है और डायोड है यही खराब होता है अधिकतर तार में। रेजिस्टेंस तो गिने चुने में काला हो गया, देखिए यहाँ काला हो गया है, तो मत सोचना कि खराब हो गया, ये खराब नहीं हुआ है, ये सही है अभी तक। तो इसको चेक कैसे करेंगे ये सही है कि अभी खराब है, ये बात हुई। आप कैपेसिटर देख के बता सकते हैं कि ये फट गया है, फूल गया तो ये खराब है, तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे। और NTC भी फटा है तो हम लोग सोचेंगे अरे ये तो फट गया तो मतलब खराब है, चेंज कर लेंगे। लेकिन ट्रांजिस्टर 50% में दिख जाता है, 50% नहीं दिखता। देखिए इसमें दिख रहा है कि ये आपका फट गया है ट्रांजिस्टर याला, हम लोग देख सकते हैं ये फट गया है याला, ओके। लेकिन इस दोनों में नहीं दिख रहा है कि ट्रांजिस्टर आपका फट गया बोल के, तो इसको चेक करने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे चैनल में कि ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं। तो इसमें भी कुछ खराब तो नहीं दिख रहा हम लोग को, शुरू हम लोग ट्रांजिस्टर ही निकाल लेते हैं, तो ट्रांजिस्टर निकाल लेते हैं इसका। मैं जिनियन वीडियो बता रहा हूँ तो ऐसा टेंशन मत लेना कि फेक है ऐसा कि नहीं है, ये निकल गया। और देख लेना सीधा लगाना है आप लोगों को, एक बार अच्छे से देख लेना आप लोग, मैं देख लिया हूँ कैसे लगता है, मैं बनाते रहता तो मेरे को पता है बन जाता उतना नहीं दोस्तों, कैसे कभी कभी क्या होता है कुछ ज्यादा चीज खराब हो जाता है। ये निकल गया, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा खराब होने के कारण कभी कभी कुछ ज्यादा जल जाता है, कैसे एक डोटो में दिखाता हूँ, जला मेरे पास है, ये हो गया। मैं दोनों ट्रांजिस्टर को ले आया हूँ, और इधर मैं ले आता हूँ अपना मीटर को, ये मीटर आ गया, ओके। तो वो कंट्रोटी में आप चेक कर लेना, आप जिसमें चेक करते हैं, मैं कभी X1 है 1K जिसमें भी चेक करते बने आप लोग उसमें चेक कर लेना। देखिए ये बता रहा है कंट्रोटी पूरा, तो आप लोगों का एक एक ठो चेक कर लेना। अभी तो पता नहीं आप लोगों को बेस कौन सा, कलेक्टर कौन सा कौन है, तो आगे चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग है कि नहीं। देखिए ये बताया, अब ये भी बताया, अब जस्ट पल्टी कर लेंगे, ये भी बता रहा है, ये भी बताया, मतलब ये खराब है अपना, ये शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट है ये, खराब हो गया है। फिर से दूसरा को भी चेक करेंगे,
सेम प्रक्रिया है दोनों, और 13,003 है दोनों। एक ही देखिए शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, फिर पलटेंगे ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, देख सकते हैं दोनों शॉर्ट है। तो आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं क्या खराबी है इसमें, इसमें अभी ट्रांजिस्टर खराब है। तो हम लोग दूसरा ट्रांजिस्टर लाएंगे, सेम मार्केट में मिल जाता है दोस्तों, इसका मैं रेट बता रहा हूँ आप लोगों को, 3 रुपए से 5 रुपए का एक पीस पड़ता है मार्केट के हिसाब से, कहीं 3 रुपए पड़ता है कहीं 5 रुपए पड़ता है, आपके ऊपर है आपका कहाँ कितना मिल रहा है। ये हो गया, इसको चेक करके आप लोगों को कन्फर्म नहीं होगा इसको क्या खराबी नहीं, तो एक बार और चेक कर लेना। देखिए बताया, ये भी बताया, जस्ट अब पलटूंगा, नहीं बता रहा दोस्तों, देख लीजिए ये नहीं बता रहा और ये भी नहीं बता रहा, मतलब हाँ ये दोनों ट्रांजिस्टर खराब है। तो अब कॉमन सी दोस्तों समझ सकते हैं इसको क्या करना है आप लोगों को, वहां पर लगाना है। जेन्युइन है दोस्तों, 100% वर्क करेगा, क्योंकि मैं इसको बनाया हूँ और बनाता भी हूँ, इसको अब यहाँ लगा लेंगे, 100% ये वर्क करेगा। आप ये एक बार थोड़ा समझ के देखना, दिमाग लगाना हल्का सा बात को, इसमें लगा क्या है और कुछ है खराब होने, ये खराब नहीं होता, पीएफ खराब नहीं होता, कॉइल खराब नहीं होता, ये नहीं होता, रेजिस्टेंस जितने वो भी जल्दी से खराब नहीं होते हैं, बस बच के ये डायोड। तो डायोड को क्या करना है आप लोगों को, सिंपली इसको लगा हुआ भी चेक कर लीजिए या निकाल के चेक लीजिए, आपको डाउट लग रहा है तब इसको एक तरफ रखेंगे, एक तरफ बताएगा, एक तरफ रखेंगे नहीं बताएगा, तब सही है। दोनों पार बताया खराब और दोनों पार नहीं बताया तो भी खराब, मतलब एक पार बताना चाहिए एक पार नहीं बताना चाहिए। मैं डायोड और इस सब के बारे में लाने वाला हूँ वीडियो, आप लोग क्लियर, थोड़ा दिन वेट कीजिए। ये हो गया दोस्तों, इसमें और कुछ है तो मेरे को डाउट लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूंगी। इतना मेरे को बताने पे नहीं लगता कि आप लोगों को और कुछ दिक्कत होगा। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या फटा है, कैपेसिटर ये फट गया और एनटीसी फट गया, इतना लगाने के बाद ये चालू हो जाएगा। और नहीं होता है तो जो ट्रांजिस्टर है सेम प्रक्रिया निकाल के चेक करना है दोस्तों। और इसमें बचा क्या, आप ही कुछ थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें कुछ चीज भी नहीं है तो भी लगता है डाउट तो मेरे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। मैं थोड़ा लेट में कमेंट कभी कभी नहीं दे पाता, लेकिन देता जरूर हूँ, मेरे को लगता है जिसका क्वेश्चन सही लगेगा मैं पक्का उसको जरूर देता हूँ कमेंट रिप्लाई, और देता ही हूँ सबको। और ये वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा होगा, कुछ मैं नहीं बता पाया हूँ, मेरे से कुछ भूल हो गया होगा तो कोई कमेंट में बता दे जिसको पता है इसके बारे में, तो मैं जरूर उसको और सबको बता दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट में मेरे को जरूर बताइए, अच्छा लगा होगा तो दोस्तों सबको शेयर कीजिए कि सबको जाने कि इसमें क्या खराब होता है क्या नहीं होता। ये 10 रुपए में बन जाता है आपका, दो ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर 5 रुपए का हो गया मान लीजिए, और 3-3 रुपए का समझिए 10 या 12 रुपए पड़ता है, ये रिपेयर हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, और कुछ मीठी बातें कमेंट में लिखिए दोस्तों, जिसमें और मैं कुछ अलग अलग टाइप का वीडियो बनाते रहूं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इतनी कीमती टाइम निकाल के देखते हैं ना वीडियो मेरा, दिल से शुक्रिया दोस्तों, और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।